दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच पोस्टर वॉर जारी है। इस बीच दिल्ली बीजेपी ने सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल पर निशाना साधते हुए पूर्वी दिल्ली में पोस्टर लगा दिए हैं। इस पोस्टर पर सुनीता केजरीवाल की तस्वीर दिख रही है और उस पर लिखा है दिल्ली की रावड़ी देवी। दरअसल सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने आज अपना पहला रोड शो किया। इस दौरान समर्थकों के हाथ में आई लव केजरीवाल के पोस्टर थे। इससे पहले दिल्ली बीजेपी ने सिविल लाइन्स स्थित सीएम आवास की ओर जाने वाले रूट पर साइन बोर्ड लगाया था। इस पर लिखा है शीशे का महल, भ्रष्टाचार का अड्डा, मुख्यमंत्री निवास, 6 फ्लैग, स्टाफ रोड, सिविल लाइन्स। पोस्टर में सीएम आवास की ओर से भी इशारा किया गया है। बोर्ड सीएम आवास से कुछ मीटर की दूरी पर है। राष्ट्रीय राजधानी में लोकसभा चुनाव होने में सिर्फ 1 महीना बचा है। ऐसे में बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ आक्रामक अभियान चला रहे हैं। भाजपा कह रही है कि लोग इंडिया गेट और अन्य स्मारकों को देखने के लिए दिल्ली आते हैं। हम चाहते हैं कि लोग भ्रष्टाचार के केंद्र शीश महल को देखने आए। दरअसल वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, हमने वो रास्ता दिखाया है जहां से दिल्ली को लूटने की योजना बनाई जाती है। उन्होंने कहा, ये आवास ही कारण है कि सीएम केजरीवाल अपना पद नहीं छोड़ रहे हैं। भाजपा नेता ने कहा, लोग राष्ट्रीय स्मारकों को देखने के लिए दिल्ली आते हैं, उन्हें भ्रष्टाचार के केंद्र शीश महल की झलक पाने के लिए भी यहां आना चाहिए। दरअसल सुनीता केजरीवाल के प्रचार में उतरने के बाद बीजेपी ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर परिवारवाद की राजनीति करने का आरोप लगाना शुरू कर दिया है। दूसरी ओर आप भी सहानुभूति के लिए सुनीता केजरीवाल को चेहरा बनाकर सीएम की गिरफ्तारी को मुख्य चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है।